रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बच्चे ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज जी हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 6 इंट्रोड्यूसिंग स्प्रेडशीट की एक्सरसाइज, जो कि हमारे चैप्टर पर के एंड पर होती है, वो पढ़ेंगे आज हम। ये रहा एक्सप्लोर विद विज। क्वेश्चन नंबर 1 है, मेक योर ओन स्प्रेडशीट कैलकुलेट द एक्सपेंसेस ऑफ योर बर्थडे पार्टी। विच फार्मूला विल यू यूज टू कैलकुलेट द एक्सपेंसेस? ठीक है, आपने क्या करना है, आपने अपनी स्प्रेडशीट बनानी है और आपने बताना है, स्प्रेडशीट के ऊपर बताना है कि आपके आपके बर्थडे पर जो पार्टी हुई उसके ऊपर कितने खर्चा हुआ। ठीक है, और आपने साथ साथ ये भी बताना है कि क्या फार्मूला लगाया आपने। ठीक है, ये देखो मेरा फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है पिज़्ज़ा आया 1400 का, और 400 प्लस कर दो केचप वगैरह के साथ ना। कैंडल 20 रुपीज़ की, कोल्ड ड्रिंक 120 की आई। ठीक है, तो और फिर ये जब फार्मूला लगाया तो मेरे पास आया 3 1 प्लस D6 प्लस E14 प्लस C3 इक्वल्स टू 1940, इतने मेरे पास आया। ठीक है, ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं है, तो वैसे ही पूछा गया है। ठीक है, ये ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वट इज इंडिकेट्स बाय द क्लूज, क्लूज के थ्रू आपको क्या इंडिकेट हुआ? पहला आ जाता है द पोर्शन ऑफ द वर्कशीट दैट वी सी विंडो, वेयर आर रो एंड कॉलम मीट सेल, उसको सेल कहते हैं। अ नंबर एंटर्ड इन अ सेल, उसको क्या कहते हैं? वैल्यूज। द वर्क एरिया वेयर वी फिल इन डाटा, उसको क्या कहते हैं? वर्कशीट। अ ग्रुप ऑफ सेल, उसको हम कहते हैं रेंज। देख लीजिए, उसके बाद आ जाते हैं विज क्विज पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू स्प्रेडशीट प्रोग्राम हेल्प अस, हाउ डू स्प्रेडशीट प्रोग्राम हेल्प अस, तो उसका आंसर ये है, लेट मी, ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम हेल्प अस टू ऑर्गेनाइज डाटा इन अ टेबल्स बाय मेकिंग कैलकुलेशन एंड प्रेजेंट डाटा इन ग्राफ एंड चार्ट्स। ठीक है, ये देख लीजिए इसका आंसर, दोबारा मैं आपको समझा देती हूँ पढ़ के। स्प्रेडशीट प्रोग्राम हेल्प अस टू ऑर्गेनाइज डाटा, यानी स्प्रेडशीट प्रोग्राम हमें हेल्प आउट करता है किस तरह से किसी भी डाटा को ऑर्गेनाइज करने में, और वो ऑर्गेनाइज किस तरह से करते हैं, टेबल्स के फॉर्म में, ताकि कैलकुलेशन हमारे पास आसानी से हो जाए, हमारे डाटा जो होगा वो ग्राफ्स फॉर्म में आ जाता है और शायद चार्ट फॉर्म में आ जाता है। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कैन वी सी द इंटायर स्प्रेडशीट व्हेन वी ओपन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एक्सप्लेन योर आंसर। क्या हम इंटायर स्प्रेडशीट देख सकते हैं जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं? अगर यस, एक्सप्लेन करें अपने आंसर को। वी कैन नॉट सी द इंटायर वर्कशीट, हम इंटायर वर्कशीट को नहीं देख सकते। वी कैन सी एन एडिट अ पार्ट एंड अ पार्ट ऑफ इट कॉल्ड अ विंडो, हम देख सकते हैं उस एडिट पार्ट को जिसको हम विंडो का नाम देते हैं, इसका आंसर है। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे, थर्ड क्वेश्चन पर। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ अ सेल एड्रेस इन स्प्रेडशीट प्रोग्राम, इम्पोर्टेंस बतानी है आपने सेल एड्रेस की स्प्रेडशीट प्रोग्राम में। वी रेफर टू अ सेल बाय इट्स सेल एड्रेस, इट कंसिस्ट ऑफ कॉलम लेटर एंड रो नंबर। अब कह रहे हैं हम सेल को सेल एड्रेस तभी कहते हैं जब उसके अंदर कॉलम लेटर और रो एड्रेस होंगे, रो कॉलम्स रो नंबर्स होंगे, तो ये जिसका आंसर है इम्पोर्टेंस होगी। ठीक है, कि वो हमें कॉलम रो और उसको उसके अंदर कॉलम रोज और लेटर्स में हेल्प आउट करता है। देन इज हाउ डू वी आइडेंटिफाई अ रेंज, हम एक रेंज को कैसे पहचान सकते हैं कि आइदर इट इज रेंज। A range is a group of cells. We can identify a range by specifying a cell address. A first cell and a last cell. अब कह रहे हैं कि रेंज एक ऐसा ग्रुप है, ग्रुप ऑफ सेल है जो जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं रेंज को और सेल एड्रेस को, और जो उसको बाय ऑब्जर्विंग ऑब्जर्व करेंगे हम फर्स्ट सेल को लास्ट सेल को, जिस तरह से ये मैंने स्प्रेडशीट बना दी है। आप लोगों ने ये डायग्राम बना देनी है और ये वाला, ये इसकी डेफिनेशन लिख देनी है। ठीक हो गया जी। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, व्हाट डज अ ग्राफ रिप्रेजेंट, ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्राफ हमें क्या शो करता है, तो जी इसका आंसर मैं लेट मी ओपन। वी इंसर्ट अ चार्ट और ग्राफ इन अ वर्कशीट टू रिप्रेजेंट न्यूमेरिकल डाटा इन विजुअल फॉर्म। अब वो कह रहे हैं कि ग्राफ हमें किस तरह से रिप्रेजेंट करता है, वो हमें चार्ट और ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, और ताकि हम न्यूमेरिकल फॉर्म में डाटा को एंटर कर सकें। ठीक हो गया जी।
ये जिसका ये वाला ये इसका आंसर ये ठीक हो गया। तो फिर ये दो तो आपके सल्यूट नहीं होते। और नेक्स्ट वाला ये वाला जो है ये मैं आपको हर उसमें कहती हूँ कि ये वाला बच्चे ज़रूर याद कर लीजिए करें। इससे जी आप लोगों की नॉलेज में भी एक तो इन्फॉर्मेशन नॉलेज बढ़ता है आप लोगों का, और दूसरा इससे ही MCQs भी आते हैं, फिल द ब्लैंक्स भी आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी आते हैं। तो प्लीज़ ये वाला ज़रूर याद कर लिया करें। इतना मुश्किल नहीं होता, जो लेक्चर में आपने जो यूनिट में पढ़ा होता है उसी के सब पॉइंट्स बना दिए गए होते हैं। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर समझ आ गया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।